हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के अपने वीडियो में बात करेंगे हम यूटीबी भर्ती के बारे में, एलएसए यूटीबी भर्ती के बारे में, जो बीकानेर जिले की लिस्ट जारी हुई है उसके संबंध में। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की यूटीबी एलएसए जो फॉर्म अप्लाई हुए थे उसकी लिस्ट जारी हो गई है, और किनको कहाँ पर कार्यस्थल दिया गया है, पोस्टिंग ऑर्डर हो चुके हैं, जो मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, और चैनल पर जो भी साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कार्यालय जिला कलेक्टर बीकानेर, 14 नवंबर 2022। शासन सचिव पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक FV 91412 2021 14 दिनांक 19/9/2022 के अनुपालना में जिला स्तर पर गठित चयन समिति के अनुशंसा अनुसार निम्न अभ्यर्थी को पशुधन सहायक के रिक्त पद के विरुद्ध आवश्यक अस्थायी आधार पर राशि ₹17,700 प्रतिमाह पर उनके कार्यग्रहण तिथि से 3 माह के लिए पूर्णतः अस्थायी रूप से लगाया जाता है, 3 महीने के लिए है, और ये लिस्ट आप देख सकते हो। क्रम संख्या, नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि और कार्यस्थल का नाम, यानी कि जहाँ पर उनकी पोस्टिंग दी गई है। पशु चिकित्सा उपकेंद्र है, पशु चिकित्सालय है, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय है, जहाँ पर भी जिनकी भी ये पोस्टिंग हुई है वो अपना नाम देख सकते हो। टोटल 27 पोस्टिंग हुई है, 27 जनों की, कैंडिडेट्स की। अब इसमें जो आवश्यक नियम और शर्तें हैं वो देख लेते हैं कि यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी एवं नियत पारिश्रमिक के आधार पर है। भविष्य में इस नियुक्ति के अधीन अभ्यर्थी राज्य सरकार से नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार से हकदार नहीं रहेगा। नियम पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, अवकाश तथा वरिष्ठता आदि देय नहीं होगी। समेकित पारिश्रमिक में से GPF, CPF, राज्य बीमा आदि की कटौती नहीं की जाएगी। कार्यस्थल पर कार्यभार संभालने हेतु कोई यात्रा भत्ता भी देय नहीं होगा। अभ्यर्थी का जहाँ पद स्थापन किया जाएगा उस स्थान से अन्यत्र कहीं स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यानी कि यह भर्ती पूर्णतः अस्थायी है, आप सभी जानते ही हो। जो इसकी सैलरी भी है वो भी फिक्स है, और जहाँ पर आपकी शुरू में पोस्टिंग है वहीं पर आपकी पोस्टिंग रहेगी, कहीं अन्यत्र आपको नहीं स्थानांतरित किया जाएगा, और कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं रहेगी, अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को दिनांक 18/11/2022 तक जिला संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग बीकानेर में कार्य दिवस को कार्य समय में उपस्थिति देनी अनिवार्य होगी, अन्यथा उसका यह नियुक्ति आदेश होते ही निरस्त माना जाएगा। यानी कि आपको 18 नवंबर तक जो है, जो भी जिला संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग बीकानेर है वहाँ पर आपकी अपनी उपस्थिति देनी है, वहाँ पर जाकर आपने ज्वाइनिंग लेनी है वहाँ पर जाकर, नहीं तो ये आदेश आपके जो है निरस्त माना जाएगा और वहाँ पर किसी अन्यत्र को लगा दिया जाएगा। कार्यग्रहण के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी, और कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 4/10/13 के अनुसार अनुसरण में धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने का वचनबद्ध, कार्मिक विभाग के परिपत्र 30/6/2006 के अनुसार विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीयन की सूचना, दहेज नहीं लिए जाने का शपथ पत्र, नियुक्ति के संबंध में आवश्यक शर्तें बाबत, यानी कि ₹100 का आपको स्टाम्प नोटरी सहित ये वहाँ पर देना आवश्यक है, और क्रम संख्या 14 एवं 26 पर अंकित अभ्यर्थी का चयन दिव्यांग कोटे से होने के कारण उन्हें सक्षम प्राधिकारी के तत् संबंधी प्रमाण पत्र कर प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करवाया जा सकेगा। भगवती प्रसाद, जिला कलेक्टर बीकानेर, 14 नवंबर 2022। और डॉक्टर वीरेंद्र नेत्रा, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग बीकानेर। तो इस प्रकार से ये बीकानेर जिले की पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो चुके हैं पशुधन सहायक साथियों के। तो सभी साथी नियत तिथि तक जाकर अपनी पोस्टिंग ले लेवे, और आशा है कि आप सभी को हमारी ये जानकारी
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और आपको किस प्रकार की वीडियो या फिर जानकारी चाहिए वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।